नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ मोहम्मद फैसल। सीएम हेमंत सोरेन आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के खर्च की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में होने वाले इस बैठक में सभी एसीएस, प्रधान सचिव, सचिव व विभागीय प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने सीएम की समीक्षा को लेकर सभी विभागों से बजट के विरोध किए गए खर्च की रिपोर्ट मंगलवार तक मांगी थी। विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बजट स्टेटमेंट का औसत खर्च 36.22% जबकि रिवाइज स्टेटमेंट का 34.88% हो पाया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री समीक्षा के दौरान अगले 4 महीनों में बजट का लगभग 64% शेष हिस्सा खर्च करने का टास्क देंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री विभागों की संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी करेंगे। और इतना ही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन योजनाओं को गति देने पर भी जोर देंगे। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट खर्च की समीक्षा करेंगे। वहीं सभी विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। अक्टूबर अंत तक बजट का 34% राशि जो है खर्च हो चुका है अब तक। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट खर्च की समीक्षा होगी, जहां सीएम हेमंत सोरेन आज वित्तीय वर्ष बजट खर्च की समीक्षा करेंगे, जहां पर सभी विभागों के सचिव, मुख्य सचिव, एसीएस को इस बैठक में मौजूदगी होगी। अब तक आपको बता दें कि अक्टूबर अंत तक बजट का 34% राशि जो है खर्च हो चुका है, यानी कि कुल बजट में से 34% राशि अक्टूबर अंत तक जो है खर्च हुई है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आज वित्तीय वर्ष में समीक्षा बैठक करेंगे, जहां पर सभी विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट खर्च की समीक्षा में सभी विभाग के सचिव रहेंगे, एसीएस और मुख्य सचिव भी रहेंगे। जहां तक आपको बता दें कि नवंबर तक अब तक बजट का 34% राशि खर्च हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के खर्च की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में सभी एसीएस, प्रधान सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने सीएम की समीक्षा को लेकर सभी विभागों से बजट के विरुद्ध किए गए खर्च की रिपोर्ट मंगलवार तक मांगी थी। और विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बजट एस्टीमेट का औसत खर्च 36.22% हुआ है, जबकि रिवाइज स्टेटमेंट का 34.88% हो पाया है। मुख्यमंत्री समीक्षा के दौरान अगले 4 महीनों में बजट का लगभग 64% शेष हिस्सा खर्च करने का टास्क देंगे, जहां पर मुख्यमंत्री विभागों की संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी करेंगे। इतना ही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन योजनाओं को गति देने पर भी जोर देंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट खर्च की समीक्षा होगी। आपको बता दें कि
नवंबर अंत तक बजट का 34% राशि खर्च हो चुका है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। जी अंजनी, वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो कुल बजट खर्च है उस पर समीक्षा होनी है, वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस बैठक में शामिल होंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि जब बजट बनता है तो बजट बनाने के पीछे जो दो मकसद होते हैं, एक ये है कि जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो ग्रामीणों तक, आम व्यक्ति तक कितना पहुंचा है और सरकार कितना आगे प्रगति कर रही है, कितना डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बजट बनाया जाता है। और बजट को लेकर सरकार का दायित्व ही बनता है कि वो समीक्षा करे, क्योंकि बजट यदि है तो बजट खर्च कितना हुआ है, क्योंकि ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं राज्य के डेवलपमेंट का एक इंडेक्स होता है और ये तमाम चीज़ों की एक जानकारी मिलती है कि जो राज्य में संचालित जो अलग अलग विभाग हैं उन विभागों में किस तरह से वर्क हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी आप देखेंगे तो लगभग जो बजट का जो है 34% के आसपास जो है वो खर्च हुआ है, और अभी आने वाले समय में जो है लगभग 64% जो होगा वो कैसे खर्च होगा, उसके लिए विभागों के पास क्या प्लानिंग है, जो विभागीय जो सचिव हैं वो किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है और क्या नया होगा, कैसे काम होगा। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो पैसे बजट के पैसे खर्च हुए हैं उसकी एक समीक्षा होगी, और जो पैसे बचे हैं उसको कैसे खर्च करना है उस पर बातचीत होगी। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तमाम विभागों के जो सचिव हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे, तो महत्वपूर्ण बैठक हम कह सकते हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि जो विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे फैजल, जिस तरह से राज्य सरकार ने आम जनता को लेकर एक जो बड़ा अभियान चलाया था, जनता आपके द्वार, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी एक प्लानिंग ये होती है कि जो सरकार जो काम करना चाहती है उस पर जो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी क्या मंशा है। तो हमें लगता है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक है, और उसमें वित्त विभाग के भी तमाम अधिकारी रहेंगे और सभी विभागों के जो सचिव हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। फैजल जी अंजनी, बिल्कुल काफी अहम जानकारी आपने दी है, जहां पर आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो है बजट खर्च के ऊपर समीक्षा बैठक रखी गई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।